हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं एक और नया पैटर्न बताने जा रही हूँ आपको। ये देखिए, बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने 36 फंदे डाले हुए हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये 17 फंदे का हमारा एक पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक, ये 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 17, तो यहाँ तक हमारा ये एक पैटर्न आता है। उसके बाद यहाँ से फिर 17 फंदे और 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा यहाँ पर लिए हुए हैं, तो इसलिए हमने 36 फंदे लिए हुए हैं। तो मैं ये आपको शुरू करके दिखाती हूँ। ये हमारी सीधी साइड से है, उल्टी तरफ से हमने बुनाई शुरू करनी है। तो सीधी तरफ से हमने सारे फंदे उल्टे उल्टे एक सिलाई बना लेनी है। बहुत ही अच्छा लगता है ये डिज़ाइन। आप अपने कार्डिगन में, जैकेट में, फुल में भी डाल सकते हैं, जैसे पूरे स्वेटर में, बच्चों के में चाहें तो हाफ स्वेटर में डालें, जैसे आधे में डालते हैं, आधे ऊपर प्लेन बनाते हैं, कैसे भी आप डाल सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा लगता है। या खाली बॉर्डर ही बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये देखिए, हमारी एक सिलाई कंप्लीट हो गई है सीधी तरफ से। तो अब मैं उल्टी तरफ से बताती हूँ आपको। 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर 1 सीधा, 1 उल्टा और 1 सीधा, फिर आगे धागा करेंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, सोलह, सत्रह, ये हमारा एक पैटर्न हो गया है 17 फंदे का। अब फिर हम 4 फंदे, इसी को हम फिर दोबारा से रिपीट करेंगे। 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 2 फंदे सीधे, 1, 2, फिर 2 फंदे उल्टे, 1, 2। ये देखिए, 4, 2 सीधे, 2 उल्टे, चार फंदे उल्टे, 2 सीधे, फिर 2 उल्टे और 2, उसके बाद 1 सीधा, 1 सीधा, 1 उल्टा, फिर 1 सीधा, फिर 2 उल्टे, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर 4 ये उल्टे लास्ट के। ये हो गई हमारी रॉन्ग साइड की तरफ से। अब आते हैं हम सीधी तरफ से। ये देखिए, अब इधर से क्या करना है, 2 उल्टे,
फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे। तो यहाँ पर हम दो सीधे बनाएंगे, यहाँ पर जाली डालते हुए इस तरह से। ये देखिए दो उल्टे, फिर जाली, दो सीधे, फिर दो उल्टे। फिर दो सीधे, ये देखिए दो उल्टे जाली, दो सीधे, दो उल्टे, दो सीधे। अब ये जो हमारे ये हमने इधर से सीधा उल्टा फिर सीधा किया था, तो इधर से अब हम इन तीन फंदों का एक करेंगे इस तरह से। ये जो सीधा फंदा है इसको हमने इस तरह से इसको लेना है और ऐसे पलट के चढ़ाना है इस सिलाई पर। फिर एक फंदा इधर से लेना है, तो ये तीन हो गए हमारे, और इन तीन फंदों का एक करना है। ये देखिए तो यहाँ पर हमारे तीन का एक हो गया, तो एक जाली हमारी इधर पड़ गई है और एक जाली हमारी यहाँ पर आएगी। अब इसके बाद हमने दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, ये देखिए अब दो फंदे उल्टे, एक दो। तो ये देखिए अब ये जो दो फंदे उल्टे हैं तो यहाँ पर हमने जाली डालनी है, तो इसको हमने धागे को इस तरह से लपेटना है फिर उल्टा बनाना है, एक दो। ये यहाँ से हमारा दूसरा पैटर्न शुरू हो गया है। तो फिर हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, अब देखिए ये यहाँ पर हमने तीन का एक करना है। धागा पीछे करेंगे और इस तरह से ये जो तीन है ये बीच वाला फंदा हमने इस तरह से लेना है और घुमा के इसी सिलाई पर चढ़ा देना है। फिर हम इसको तीन का एक करेंगे इस तरह से। ये देखिए फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। सर यहाँ पर जाली डालनी है, दो फंदे से पहले जाली डालनी है। ये देखिए एक जाली इधर आ गई है, तो यहाँ पर तीन का एक हो गया, तो यहाँ पर जाली आएगी। तो आगे धागा करेंगे और इस तरह से सिलाई पर एक बार चढ़ा लेंगे, फिर दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। आप देखिए उल्टी सिलाई में ये हमने दो फंदे उल्टे बुनने हैं और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने सीधा बुनना है इस तरह से। फिर दो फंदे उल्टे और ये सीधे ही बनाने हैं दो फंदे। और ये भी हमने सीधा ही बनाना है जो को हमने तीन का एक किया था। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ तक पैटर्न शुरू हो गया है, पूरा हो गया, एक पैटर्न पूरा हो गया है। दूसरा यहाँ से शुरू होगा, इतने फंदे, ये 17 फंदे हमारे
दो चार छः आठ दस बारह चौदह सोलह और सत्रह, ये हमारी जाली का फंदा है। यहाँ पर हमने तीन का एक किया था तो एक जाली इधर पड़ गई, एक जाली इधर पड़ गई, तो फंदे हमारे 17 के 17 हो गए। अब यहाँ से दूसरा पैटर्न शुरू होता है, दो फंदे उल्टे, फिर यहाँ हम जाली डालेंगे, दो फंदे सीधे, ये इस तरह से, ये देखिए ये जाली पड़ गई, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, अब हम यहाँ पर तीन का एक करेंगे। तो ये जो बीच वाला फंदा है इसको हमने इस तरह से लेना है और इस सिलाई पर लेके ये हमने तीन का एक करना है इस तरह से, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर लास्ट के दो फंदे उल्टे। सॉरी, यहाँ पर जाली डाल के हमने तब यहाँ पर उल्टा बुनना है, क्योंकि इस तीन का एक जो हमने किया है, एक जाली पड़ी है, एक यहाँ पर पड़ेगी, तो इस तरह से हमने सिलाई पर धागा लपेटना है और उल्टा बुनना है, दो फंदे उल्टे इस तरह से। अब उल्टी तरफ से दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, और ये जो जाली वाला फंदा है इसको हमने इस तरह सीधा बुनना है, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है हमारी, तो इधर से हमने सीधा बनाना है। फिर आगे धागा करके दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके पांच फंदे उल्टे, ये पांच फंदे हमारे उल्टे आएंगे। एक तो ये हो गया जो हमने तीन का एक किया, और दो इधर दो इधर, तो पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर ये दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, और ये जाली वाला फंदा सीधा इस तरह से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर जाली वाला सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे इस तरह से। अब हम आ गए सीधी सिलाई पर, ये देखिए फिर हम वैसे ही दोहराएंगे, दो फंदे उल्टे, फिर यहाँ पर हम जाली डालेंगे, हर दो फंदे के बाद जाली डालनी है इस तरह से, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, सॉरी एक फंदा उल्टा, क्योंकि यहाँ पर हमने तीन का एक करना है।
दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, क्योंकि घटाने वाला फंदा ही है, इसके बराबर ये सीधे फंदे आ रहे हैं, तो हमने सीधा फंदा एक बनाना है, फिर उसके बाद तीन का एक करना है इस तरह से। ये देखिए, फिर एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, और फिर यहाँ पर जाली इस तरह से, फिर दो के बाद जाली और एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, एक फंदा सीधा, और ये हमारा है घटाने वाला फंदा। तो एक फंदा ये घट जाएगा, तो हम इस तरह से इसको पलट कर लेंगे ऐसे, और फिर तीन का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर हम यहाँ पर जाली डालेंगे इस तरह से, दो फंदे उल्टे। अब देखिए, दो फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला फंदा सीधा, और ये इसको भी हमने उल्टा इधर से सीधा ही बनाना है इसको, फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर ये एक फंदा सीधा, ये हो गया, और ये जाली वाला भी हमने सीधा ही बनाना है इस तरह से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, एक जाली वाला और एक ये वाला, जो पहले वाली जाली का था वो भी हमने इधर से सीधा बनाना है। अब दो फंदे उल्टे, एक दो, दो फंदे सीधे, फिर तीन फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, एक जाली वाला और एक ये वाला। फिर दो फंदे उल्टे, ये देखिए, आगे भी हमने इसी तरह करना है, दो फंदे उल्टे, फिर हम जाली डालेंगे इस तरह, सिलाई पर धागा घुमा के लेंगे, और दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे,
फिर धागा पीछे करेंगे और इन तीन फंदों का एक करेंगे, एक दो तीन। तो हम बीच वाला फंदा इस तरह से लेंगे और घुमा के इस सिलाई पर लेकर और फिर तीन का एक करेंगे। इस तरह से देखिए, फिर दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर जाली, दो फंदे उल्टे और फिर जाली, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। धागा पीछे करेंगे और ये तीन का एक करेंगे। फिर दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे और यहाँ पर जाली। इस तरह से धागे को घुमाकर सिलाई पर लेंगे और दो फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब देखिए, ये हमारी सातवीं सिलाई है। तब इसमें हमने क्या करना है कि ये दो 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 फंदे की बुनाई है जैसे, तो अब हमारे दो फंदे उल्टे हैं, दो सीधे हैं और दो उल्टे हैं, तो अब दो सीधे आने चाहिए। तो अब इस बार हम इस जाली वाले फंदे को हमने उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। तो ये दो फंदे उल्टे और ये जाली वाला भी हमने उल्टा ही लेना है, इस तरह से। फिर धागा घुमा के ये दो फंदे सीधे, क्योंकि आगे दो उल्टे दो सीधे का हमें क्रम बनाना है आगे, तो हमने अब दो फंदे सीधे बनाने हैं। ये दो उल्टे बन गए ये वाले, तो अब ये हमने दो सीधे बनाने हैं, तो हमने इस इधर से इसको उल्टा बुनना है, इस जाली वाले फंदे को। ये जो अभी हमने एक फंदा उल्टा बनाया है, तो अब दो उल्टे दो सीधे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा एक उल्टा आएगा, एक उल्टा, फिर दो सीधे, फिर दो उल्टे, दो सीधे और ये जाली वाला हमने उल्टा बनाना है। तो आगे धागा करके हमने इसको उल्टा बनाना है। ये दो फंदे उल्टे, ये जाली वाला भी उल्टा बुनना है। दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे सीधे, फिर ये जाली वाला भी उल्टा। धागा आगे करेंगे और उल्टा बुनेंगे इसको, ये दो फंदे उल्टे। आप इतना पैटर्न डाल लेंगे तो आपको बुनाई समझ में आ जाएगी। ये देखिए, अब हमारे पहले ये उल्टे तीन का एक होगा यहाँ पर, फिर ये सीधे आ जाएंगे, फिर उल्टे आ जाएंगे। अब ये जो जाली बढ़ती जाएगी, इसको हम जैसे दो उल्टे हो गए हैं, तो अब इसके बाद हम ये दो सीधे बनाएंगे, तो हमारे ये दो फंदे सीधे आ जाएंगे। तो इसी तरह ध्यान रखना है
मैं आगे आपको डाल के दिखाती हूँ कि दो उल्टे के बाद दो सीधे आने चाहिए। जैसे अब दो सीधे दो उल्टे, तो एक ये जाली का है, एक सीधा हमने बुन लिया है। आपकी जाली पड़ेगी उसको भी हमने सीधा ही बनाना है, तो हमारे दो फंदे सीधे आ जाएंगे। जैसे जैसे जाली बढ़ती जाएगी हमारे फंदे ये इस तरह से बनते जाएंगे, दो उल्टे दो सीधे का, दो उल्टे। अब ये सीधा फंदा है इसलिए इस तरह से धागा लेने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इस तरह से ही बढ़ा देंगे इसको इस तरह से। जब उल्टा बुनना होता है ना, फिर हम इसको इस तरह से धागे को लेते हैं सिलाई पर लपेट के। तो देखिए ये एक सीधा हो गया, अब आगे धागा करके दो फंदे उल्टे, फिर दो सीधे, फिर एक उल्टा, क्योंकि एक यहाँ पर ये घट जाएगा, तो एक उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को इस तरह से पलट के तीन का एक करूँगी। फिर एक फंदा सीधा वो और सॉरी उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। ये देखिए अब उल्टे के बाद हमारा सीधा फंदा आ गया है। अब अगली जाली में हमारे दो सीधे हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम उल्टे बुनेंगे। तो इसी तरह हमें ध्यान रखना है कि दो उल्टे के बाद दो सीधे बनाने हैं। तो आप जाली डालेंगे इस तरह से, क्योंकि ये उल्टा फंदा है तो हम सिलाई पर घुमाकर लेंगे धागे को और उल्टा बुन लेंगे दो फंदे। ये देखिए अब ये है हमारा सीधा फंदा, तो इसको हम इसी तरह बना लेंगे सीधा। फिर आगे धागा करेंगे दो फंदे उल्टे, फिर दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, सॉरी एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और इस तरह से इसका तीन का एक करेंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे, फिर दो फंदे उल्टे। जिस तरह से ये जाली डाल के हमने दो फंदे ये उल्टे बनाए हैं, इसी तरह आप हमारे दो फंदे सीधे बन जाएंगे। तो धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। तो एक देखिए एक फंदा हमारा सीधा बन गया है, अगली बार हमारा दूसरा फंदा भी सीधा आ जाएगा, उसके बाद जो जाली पड़ेगी फिर उल्टे आ जाएंगे दो। इसी तरह हम चेंज करके देख के बनाते रहेंगे तो हमारी बुनाई सही पड़ेगी। फिर हम इसको जाली डालेंगे, यहाँ पर दो फंदे उल्टे बनाऊंगे। ये देखिए आप, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी बुनाई समझ में आ गई होगी। मैं आगे डाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है, कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न तैयार होगा बनके, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बनाकर देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स करके बताएं कैसा लगा। थैंक यू।